अब हम सीखेंगे कि लिस्ट के अंदर लिस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब एक मेन कैटेगरी है तो उसकी सब कैटेगरी को हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक्सेल खोल लिया। अब हम यूँ समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दो कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन करनी है और दो कैटेगरीज हम यूँ बना लेते हैं, जैसे यहाँ लिख लेते हैं आइटम नेम, ठीक है, वो बल्कि मैं टॉपिक लिख देता हूँ आइटम नेम, और यहाँ पे हम बात करेंगे सब आइटम। सही, इस काम को करने के लिए हमने इसका नाम रख दिया, ये हमारी मेन शीट है और ये हमारी है डेटा शीट। अब डेटा शीट या मेन शीट, दो शीट्स हो गई हमारे पास, मेन और डेटा। डेटा शीट पर आया, अब ये काम हमने यहाँ करना है। लेट्स सपोज हमने क्या किया, पहले एक मेन आइटम की लिस्ट बनाई, जैसे हमने बनाया कंप्यूटर, कार, मोबाइल, बाइक, ठीक है, और क्या क्या आइटम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, तो हमने लिखा कंप्यूटर की जो सब आइटम्स है वो है एलसीडी हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकते हैं, माउस हो सकते हैं और एलईडीज हो सकती है, और भी जो आइटम है वो ऐड कर लेंगे। कार में कौन कौन से हो सकते हैं, मेहरान हो सकती है, गोल हो सकती है, जेलआई हो सकती है, वीएलआई हो सकती है, और एक आजकल होंडा, होंडा हो सकती है, और कौन से, सुजुकी, सुजुकी हो सकती है, सुजुकी हो सकती है। मोबाइल में क्यू है, क्यू मोबाइल, मोबाइल सैमसंग, एलजी, ओप्पो, मोटोरोला, नोकिया, वीवो, नोकिया, एचटीसी, वीवो, सीसी, सीसी, बस ठीक है। बाइक में हो गई जिनान, हो गई होंडा, हो गई और सुपर स्टार, हो गई 125, हो गई यूजर पावर, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर में क्या हो सकता है, सोफा हो सकता है, सीट हो सकती है और चेयर्स हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, कोट हो सकते हैं, टेबल हो सकती है। चल ठीक है, हमने इंग्लिश बना ली। अब ये यहाँ पर कैसे आएगा, तो अब हमें ये जहन में रखना है कि ये इनकी मेन कैटेगरीज में शुमार होनी है चीजें और ये इनकी सब कैटेगरीज में शुमार होनी है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम कहेंगे फॉर्मूला डिफाइन, सपोज इसका नाम रख दिया हमने मेन आइटम, बट विदाउट स्पेस रखना है नाम, ना स्पेस में मेन आइटम। अच्छा, अब इनके नाम कैसे, मतलब हमारा अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ये है कि हर लिस्ट का नाम उसके मेन आइटम से पहचाना जाएगा, मतलब अगर हम कहेंगे कंप्यूटर तो कंप्यूटर का मतलब ये सारी लिस्ट, अगर हम कहें बाइक तो ये सारी लिस्ट। अब उसका एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक लिस्ट को सिलेक्ट करूं और डिफाइन नेम में जाके जो ये नाम है दोबारा लिखूं, इसमें मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा। और एक आसान तरीका ये कि मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया और ये भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्या कहा, अच्छा मुझे नाम क्या रखने हैं, हर लिस्ट का नाम चाहता हूं जो उसका नाम है मेन आइटम का। तो अगर देखा जाए तो इन सब का नाम जो है वो लेफ्ट वाले कॉलम पर है जो कि फर्स्ट है, तो मैं यहां से कहूंगा कि आप हर लिस्ट का नाम ले लो जो उसका फर्स्ट कॉलम है, तो कहेंगे वो है हमारा लेफ्ट कॉलम, कौन सा कॉलम है, अगर मैं यहां पे चॉप लगा दूंगा टॉप पर तो ये लिस्ट ऐसे बन जाएगी, ये इसका नाम हो जाएगा, ये इस लिस्ट का नाम ये हो जाएगा, इस लिस्ट का नाम ये हो जाएगा, और अगर मैं बॉटम पे लगा दूंगा तो फिर ये इस पूरी लिस्ट का नाम हो जाएगा, ये इस पूरी लिस्ट का नाम हो जाएगा, ये इस पूरी लिस्ट का नाम हो जाएगा, और अगर मैं राइट पे लगा दूंगा तो एलईडी इस पूरी लिस्ट का नाम हो जाएगा, सुजुकी इस पूरी लिस्ट का नाम हो जाएगा। तो मेरे लिए चॉइस मैं लेफ्ट वाला लगाऊं क्योंकि उनके नाम आ जाए। जैसे मैं ओके करूंगा तो आप जाके नेम मैनेजर में देख ले, एक तो आपने सेव की है लिस्ट मेन आइटम के नाम से, दूसरी ये एक दो तीन चार पांच हर कोई उस आइटम के हिसाब से लिस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं फर्नीचर में क्या सिलेक्ट हो रहा है, बाइक पे क्या सिलेक्ट हो रहा है, मोबाइल में क्या सिलेक्ट हो रहा है और मेन आइटम में क्या सिलेक्ट हो रहा है। सही, ये काम आपने इस साइड पर करना है। अब आ जाए मेन लिस्ट पर, यहां पर ही कैसे अप्लाई कराएंगे, भाई जितने कॉलम्स पर आप चाहते हैं लिस्ट क्रिएट हो उतने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। सपोज मैं ये 20 रोज तक चाह रहा हूं तो ये यहां तक सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले डेटा में जाना है और डेटा में डेटा वैलिडेशन में जाके इसको लिस्ट करना है, और क्योंकि मुझे यहां मेन आइटम दिखाना है तो यहां कहना है इक्वल टू मेन आइटम। सही, उसका नाम लिख दिया, ओके किया।
यहाँ पे मैं आइटम आ जाएंगे कंप्यूटर कार, मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि अगले वाले आइटम देखने में आसानी हो, ठीक है। अब उसके अगले वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करना है और उतने ही कॉलम सिलेक्ट करनी है जितने के आपने वो सिलेक्ट किए थे ताकि उसके आगे उसकी सब लिस्ट आए। लेकिन जहन में ये रखना कि सब लिस्ट जो है वो बिहेव करेगी, एक्शन करेगी इसके मुताबिक। मतलब अगर यहाँ कंप्यूटर तो कंप्यूटर के आइटम के ना आएंगे, फिर बाइक के नहीं आएंगे। सिलेक्शन के बाद दोबारा वहीं जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहां से लेंगे लिस्ट। पर यहां पर आपने जो चीज अप्लाई करनी है ना वो ये करनी है, आपने कहना है यहां पे एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है इनडायरेक्ट, इक्वल टू इनडायरेक्ट, ठीक है, इक्वल टू इनडायरेक्ट, और स्टार्ट कर देना ब्रैकेट को और फिर अपने इस वाले कॉलम का सेल बता देना, ठीक है। सपोज सभी आपने बता दिया ए और टू, ब्रैकेट में ए टू, ब्रैकेट को बंद कर दिया ए टू की, क्योंकि ये पहला सेल इसका ये है ना, ए कॉलम और टू रो, इस पे बेस करेंगे ना। ओके कर, अब आप देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक। अब यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये बेस करेगा इसके ऊपर। तो आप यहां से जैसे सिलेक्ट करेंगे फर्नीचर तो फर्नीचर की लिस्ट आ जाएगी, सही, ठीक है। अब इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अब आपको मजीद आइटम एड करने फिर क्या करेंगे, चलो भाई आप वो भी देख लेते हैं। हम डेटा में हमने एक नया मेन आइटम एड किया, सपोज वो हमने एड किया, सपोज क्या ले, शूज ले लेते हैं, ठीक है, बाटा और सर्विस एरो सॉफ्ट और स्टार ट्रैक, ठीक है, सेव कर दिया हमने। क्या ये हमारे मेन आइटम में सेव हुआ, आई तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। कौन सी लिस्ट को, फॉर्मूला डैम मैनेजर मेन आइटम वाले लिस्ट को। कैसे अपडेट करेंगे, वेरी सिंपल, क्लिक और आप कहेंगे एडिट, आ गया नाम इसका, ये आ गया सिलेक्शन पार्ट, ठीक है। आपका सिलेक्शन यहां तक, यहां आप क्या करेंगे और क्या करेंगे, क्लोज, और अब जाके चेक कीजिए शूज भी एड हो गए, पर शूज के सब आइटम तो आए नहीं, तो फिर क्या होगा, अब हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, सही है, और कहेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका तुम नाम ले लो, कहां से लोगे, लेफ्ट कॉलम पर से, ओके एड हो गया, फंक्शन काम करने लग जाएगा, सही। अच्छा अब एक प्रॉब्लम और भी आ रहा है इसके अंदर, आपने नोट नहीं किया, देखिए किसी आइटम की जो कैटेगरी है उसमें ज्यादा आइटम है और किसी में कम है, तो जिसमें कम है हमने तो मैक्सिमम सिलेक्ट किया था ना इसको, इस तरह से वो ऐड कर देंगे और उनको अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर किसी के आइटम देख रहे हैं तो उसमें कुछ ब्लैंक्स भी आ रहे हैं ना, अब यहां देखें जैसे आप कार में देखें ब्लैंक आ रहा है, और यहां देखिए आप ये पूरे हैं क्योंकि ये अलग से ऐड किया था, यहां देखें ये ब्लैंक है। अब जिसके जो ब्लैंक है उसमें दो चॉइसेस हैं, या तो आप उसमें आइटम ऐड करा दें, और अगर आपके पास आइटम फुल हो चुके हैं तो इस एरर को खत्म करने का क्या तरीका है ये समझ रहे। जैसे मुझे ये दो कॉलम्स हैं कंप्यूटर के जो कि इसमें ब्लैंक नजर आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अब ये ब्लैंक नजर ना आए, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सही है, राइट बटन दबाऊंगा, कहूंगा डिलीट, और यहां से कहूंगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, सही, आपको दिखेगा तो कुछ नहीं हुआ, बट जब अब आप इधर आके देखेंगे, सही, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट।